अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से मैंने अपने रमज़ान के लिए टेबल सेटिंग मैंने सेट की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से मैं आज टेबल सेटिंग करूंगी रमज़ान के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर निकाल के रख ली है, तो सबसे पहले तो मैं वो आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें निकाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें मैंने निकाल के रखी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने वाइट प्लेट्स मैंने निकाल के रखी हैं, तो वाइट प्लेट्स मैं यूज़ करूँगी। उसके साथ मैं करूँगी ये ब्लू कलर की प्लेट्स यूज़ करूँगी, ये आइकिया से मैंने लिए थे। और यहाँ पर मेरे पास ये गोल्डन कलर के नैपकिन रिंग्स रखे हुए हैं, तो और उसके साथ मैं ये गोल्डन स्पूंस और फोर्क वगैरह यूज़ करूँगी। टेबल रनर में वाइट मैंने लिया है और ब्लैक कलर की मैंने प्लेसमैट्स लिए हैं। और उसके साथ मैंने यहाँ पर ग्लासेस निकाल कर रख लिए हैं। और उसके साथ यहाँ पर मैंने कैंडल होल्डर्स रखे हैं जो डिफरेंट हाइट के हिसाब से है, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। सेंटर पीस के लिए यहाँ पर मैंने फ्लावर वास यूज़ किया है, वो मैं यूज़ करूँगी। और उसके साथ यहाँ पर मेरे ये DIY फ्रेम रखे हुए हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। और उसके साथ यहाँ पर मेरे पास वाइट कलर के नैपकिनस रखी हुई हैं, और यहाँ पर मेरे पास ये रमज़ान के ये साइन रखी हुई है, वो भी मैं उसके टेबल सेटिंग में यूज़ करूँगी। तो किस तरह से इस चीज़ों को मैं यूज़ करूँगी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रनर डाल लूँगी। उसके बाद मैंने प्लेसमेंट्स रख लिए हैं। अब हम रख लेंगे अपना सेंटर पीस। तो आप कोई भी अच्छी हाइट वाला सेंटर पीस यूज़ करें तो उससे टेबल के लुक बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट हाइट के मैंने कैंडल होल्डर्स यूज़ किए हैं, तो ये ग्लास वाले मैंने यूज़ किए दो उस साइड में और दो इस साइड में। और यहाँ पर मैंने छोटे वाले कैंडल होल्डर्स लिए जो ट्रांसपेरेंट है, और उसके साथ मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के कैंडल होल्डर्स लिए हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसको डिफरेंट हाइट दिया है कि ताकि उसका लुक अच्छा आता है जब आप कैंडल्स लगाते हो। अब उसके बाद मैं यहाँ पर मैं प्लेट्स रख लूँगी। मैंने यहाँ पर वाइट कलर के प्लेट्स यूज़ किए हैं ताकि आप उसके साथ कोई भी कलर मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके साथ मैं सैलेड प्लेट ब्लू वाली यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा सा लुक देगा। और ये ब्लू इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि इस बार रमज़ान स्प्रिंग में आया, तो थोड़ा सा मैं स्प्रिंग का टच भी देना चाह रही थी, तो मैंने ये लाइट कलर के प्लेट्स यूज़ किए ताकि स्प्रिंग टाइम में ये कलर्स अच्छे लगते हैं। और क्योंकि हम रमज़ान के लिए टेबल सेटिंग कर रहे हैं तो उसके साथ कैंडल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं और गोल्डन कलर भी अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का यूज़ किया है। और उसके साथ मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया है ताकि स्प्रिंग और रमज़ान का दोनों का भी अच्छे से लुक क्रिएट हो। अब मैं यहाँ ऐड कर दूँगी अपने स्पूंस और फोर्क। इसके बाद में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाइट और गोल्डन कलर के नैपकिन रिंग्स। वाइट कलर के मैंने नैपकिन यूज़ किए हैं और उसके साथ मैंने गोल्डन कलर के नैपकिन रिंग्स को यूज़ किया है, तो वो मैं इसमें प्लेस कर दूँगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर मेरे ये पास जो रमज़ान के साइन थी मैं उसको यूज़ कर रही हूँ अपने नैपकिन रिंग के साथ।
उसके बाद में मैं ये फ़ोटो फ्रेम को यहाँ पर ऐड कर दूँगी जिसमें अफ्तार और सहूर के टाइमिंग्स हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं खजूर रख दूँगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मेरी रमज़ान के लिए टेबल सेटिंग हो गई है। तो आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ की है, थोड़े सी चीज़ों के साथ कुछ की है कि अच्छा सा लुक क्रिएट करूँ। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है ये लुक, बिल्कुल सिंपल है और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं। और सिर्फ मैंने यहाँ पर कैंडल्स यूज़ की है और जो ये मैंने ब्लू प्लेट्स यूज़ किया है उससे बहुत ही स्प्रिंग का भी लुक आ रहा है और ये कैंडल्स होने की वजह से रमज़ान का भी बहुत अच्छा सा लुक इसमें आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कॉमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर तो आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत सारी रमज़ान की वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी है तो आप उसको भी ज़रूर से चेक करें। मैं सारे वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो रमज़ान प्रेप के भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं तो वो भी आप ज़रूर से चेक करें। और इंशाल्लाह किचन का भी बहुत जल्दी वीडियो आएगा क्योंकि मैंने लास्ट वीक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कल या परसों किचन की भी वीडियो आएगी तो आप उसको भी ज़रूर चेक करें। तो दुआओं में याद रखें। तो मेरी तरफ़ से रमज़ान की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।